असद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार सीए और एनआरसी का विरोध। ओवैसी के ही मंच पर एक लड़की ने पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाकर हर किसी को सांसत में डाल दिया। पाकिस्तान के लिए नारा लगाने वाली लड़की के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हो चुका है। कोर्ट ने अमूल्या लियोना नाम की इस लड़की को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि पाक के समर्थन पर एक सार्वजनिक मंच पर इस लड़की ने नारे लगाए। असद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि मैंने खुद इस लड़की को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी उसके बाद पुलिस हरकत में आई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इस लड़की को भेज दिया गया है। बेंगलुरु में असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर जब एक लड़की ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी शुरू की तो हर कोई सन्न रह गया, खुद ओवैसी अवाक रह गए। अपने मंच से पाकिस्तान का गुणगान सुनकर पीछे खड़े ओवैसी ने आनन फानन में पहुंचकर लड़की को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक कमान से तीर निकल चुका था। सियासी विवाद की तरंगे उठनी शुरू हो गई थी। बीजेपी ने अब ओवैसी से सवाल पूछा है कि कहीं ये प्रायोजित तो नहीं। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने तुरंत आरोपी लड़की अमूल्या लियोना का एक वीडियो ट्वीट किया और आशंका जाहिर की कि जो दिख रहा है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। इसका फेस बन गई हूँ मीडिया के बदौलत से, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे एडवाइजरी कमिटीज काम करते हैं और वो जो एडवाइजेस देते हैं कि आज स्पीच में ये बात करना है, ये पॉइंट्स है। कंटेंट टीम काम करती है, बहुत सारे सीनियर एक्टिविस्ट बात करते हैं। अमूल्या का ये वीडियो 21 जनवरी का है जिसमें उसने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में ये सारी बातें कही हैं, जिसे अमित मालवीय ने जारी किया है। फिलहाल पाकिस्तान समर्थित नारा लगाने वाली लड़की अमूल्या लियोना के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अमूल्या की अब कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन इससे पहले कि विवाद चिंगारी से शोले में तब्दील हो जाए, ओवैसी ने झट से अपनी ओर से सफाई पेश की। मैं इसको कंडेम करता हूं और ये लोग पागल हैं, इनको देश से कोई मोहब्बत है ना ही, इनको करना है जाकर और जा करें, यहाँ क्यों आए कर रहे हैं लोग, ये कंडेमनेशन है, मैं इसका कंडेम करता हूँ, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए इस तरह की हरकत को। अमूल्या के विवादित नारों को सुनकर न सिर्फ राजनीति सुलग रही है बल्कि खुद उसके पिता ने बेटी के बयानों से पल्ला झाड़ लिया है। चिकमंगलुरु में पिता जेडीएस के नेता हैं, लेकिन कहते हैं कि बेटी के बयान से लेना देना नहीं। पाकिस्तान। मंच चूंकि ओवैसी का था लिहाजा इसे मुद्दा बनाने में एबीवीपी ने जरा भी देर नहीं की। बेंगलुरु में एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। विवादों में रहने वाले हिंदुवादी संगठन श्रीराम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने भी विरोध के नाम पर मर्यादा तोड़ी। इडी देश ई वायरस संबंध पट्टा ई देशद्रोही वायरस संबंध पट्टागे योचने ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ। ಇವಳನ್ನು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಳಗೆ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು। हालांकि ओवैसी ने पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी की निंदा करते हुए अपनी सफाई तो दे दी है, लेकिन मंच उन्हीं का था लिहाजा इस पर कितना भी पानी डाला जाए सियासत तो अब और भड़क कर ही रहेगी। ये मैडम के हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इस कंडेम को पूरी तरह से कंडेम करते हैं, स्टेटमेंट नहीं बल्कि गलत है स्टेटमेंट। बेंगलुरु से नोलन पैट्रिक पिंट्रो के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।